सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों यहाँ पे फाइनली रेडमी नोट 7 तो कंफर्म हो चुका है, 28 फरवरी लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। और दोस्तों साथ ही साथ रेडमी नोट 7 प्रो भी आएगा चाइना में, नेक्स्ट वीक लॉन्च होगा रेडमी नोट 7 प्रो। दोस्तों बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आएगा। सो दोस्तों इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग भी लीक हो चुका है रेडमी नोट 7 प्रो के रिगार्डिंग। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी रेडमी नोट 7 प्रो के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, कब तक लॉन्च होगा इंडिया में और प्राइस क्या होगा इस फोन की, सारी डिटेल इस वीडियो में। सो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस यहाँ पे Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस के साथ दिखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन, फीचर, डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड मिल जाएगा Redmi Note 7 Pro में। और दोस्तों ये फोन नेक्स्ट वीक कंफर्म लॉन्च होगा चाइना में, फिर दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। एक चाइनीज सोशल वेबसाइट कॉल वीबो यहाँ पे इस फोन की Redmi Note 7 Pro की टीजर इमेज लिस्टेड हो चुका है। और दोस्तों इस फोन की जो प्राइस होगा अप्रॉक्सिमेटली अंडर 20,000 के आसपास में Redmi Note 7 Pro इंडिया में लॉन्च होगा। दोस्तों Redmi Note 7 Pro की जो डिज़ाइन होगा ऑलमोस्ट सेम सिमिलर डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा Redmi Note 7 के जैसे ही, आपको ड्यू ड्रॉप और वाटर ड्रॉप लाइक नॉच डिस्प्ले के साथ 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो की डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और दोस्तों ऑलमोस्ट 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस फोन में भी आपको बैक साइड में मिलेगा ग्लॉसी बैक बॉडी ग्रेडियंट कलर के साथ, डुअल कैमरा, LED फ्लैश लाइट और लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा तो दोस्तों यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले पैनल दिखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा Redmi Note 7 Pro में। और दोस्तों चिपसेट के बारे में अगर बात की जाए तो Redmi Note 7 में आपको Snapdragon 660 ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ दिखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 7 Pro आएगा Snapdragon 675 ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ। साथ ही साथ इस फोन में आपको 6GB विद 128GB इंटरनल मेमोरी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस फोन में आपको जो कैमरा मिलेगा यहाँ पे 248 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा Redmi Note 7 Pro में। और गाइस यहाँ पे Redmi Note 7 भी आएगा 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ, लेकिन दोस्तों ये टेक्निकली 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, बेसिकली 12 मेगापिक्सल सैमसंग सेंसर के साथ Redmi Note 7 दिखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 7 Pro आएगा 248 मेगापिक्सल सोनी IMX586 वाला सेंसर के साथ और दोस्तों Snapdragon 675 इस सेंसर को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे सेम होगा, बैटरी भी यहाँ पे सेम होगा, USB टाइप सी पोर्ट होगा, फर्स्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों एंड्रॉयड 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स होगा, MIUI यूजर इंटरफेस के साथ दिखने को मिलेगा। बाकी इस फोन में आपको सभी तरह का सेंसर दिखने को मिल जाएगा इंक्लूडिंग फेस ID एंड फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले हो सकता है दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग। बाकी ये फोन तो लॉन्च होगा नेक्स्ट वीक चाइना में और दोस्तों हो सकता है लीक्स के अकॉर्डिंग 28 फरवरी को ही लॉन्च हो जाए इंडिया में तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 7 Pro का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों अंडर 20,000 के आसपास में, फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन फीचर के साथ दिखने को मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, Snapdragon 675 जैसा चिपसेट, ऊपर से आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और 248 मेगापिक्सल कैमरे के साथ दिखने को मिल जाएगा। बाकी आप नीचे कमेंट करके बोलो अपना थॉट, अपना ओपिनियन इस फोन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।